नमस्कार बच्चों, मैंने पहली वीडियो में ही आपको बताया था कि नक्शा हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि आज का युग गूगल सर्च का युग है। जब भी हम जिस स्थान पर जाते हैं उस स्थान पर हमें नक्शे के बारे में जानकारी हमें होनी बहुत ज़रूरी है। तो हम नक्शे हमने देखा, नक्शे में हमने कोणों के बारे में भी जाना, नक्शे के माध्यम से हमने पेंटागन हेक्सागन इनके बारे में भी जाना, और अब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन के बारे में भी हम जानते हैं। नक्शा देखना अब तक आपको आ ही गया होगा, स्केल के बारे में आपको पता लग चुका होगा, नहीं तो आप सारी पिछली वीडियो देख सकते हैं वहां से। देखिए, ये भारत का नक्शा जो दिखाया गया है, नक्शा 5, आज हम इस नक्शे के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिशाओं के बारे में बताया था कि किस प्रकार से हमारे भारत के उत्तर दिशा में ऊपर की तरफ उत्तर दिशा है, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा है। अगर मैं इधर मुख बना करके उठता हूँ तो मेरे राइट हैंड की तरफ पूर्व दिशा है, सूर्य इधर से निकलता है। अगर हम वर्ल्ड के नक्शे में देखें तो जापान आदि कंट्री यहाँ पर है जो पूर्व दिशा में है, और पश्चिम के देश इधर है। तो ये भारत का नक्शा आप अच्छी तरह समझ लें। सबसे ऊपर कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। आपके नक्शे में, आपकी किताब में लिखा हुआ है ये उत्तर दिशा, लिखा हुआ अगर आपने बुक में देख लें, आप नक्शा 5 ध्यान से देखें, उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पश्चिम दिशा और ये पूर्व दिशा। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न भारत के बारे में दे रखे हैं, और एक स्केल दे रखे है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ग्रिड दे रखे है। ये ग्रिड, ग्रिड से आप दूरियों का अंदाजा लगाना अब तक सीख ही चुके होंगे। चलो आप जल्दी जल्दी से भारत के नक्शे के बारे में पढ़ते हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? आपकी पुस्तक में 29 राज्य लिखे हुए हैं। जून 2014 में तेलंगाना 29वां राज्य बना, यहाँ पर ये तेलंगाना है। ये 2014 में 29वां राज्य जरूर बना, परंतु उसके बाद 2019 में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा छीन लिया गया, वहां पर हमारे दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो इस प्रकार से राज्य हमारे अब 28 रह गए, 29 नहीं बल्कि 28 रह गए। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? पहले 7 थे, दो यहां बढ़ गए, 9 हो गए, और एक यहां से दमन द्वीप को मिलाकर एक बना दिया गया। तो इस प्रकार से हमारे पास 7 और 2, 9 में से एक कम कर दिया, 8 रह गए। तटीय राज्य कितने हैं हमारे? तटीय रेखा, देखो भारत के यहां दक्षिण में ये समुद्र लगता है, ये भारत की सारी समुद्री सीमा है। ये कितने राज्यों से लगती है समुद्री सीमा? देखो यहां पे गुजरात से शुरू होती है, फिर महाराष्ट्र, फिर ये गोवा। सबसे पहले आप उत्तर में देखिए, उत्तर में भारत के हिमालय पर्वत है, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश है। इनके बाद आप देखिए यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश, उसके बाद फिर पंजाब, उसके बाद फिर हरियाणा। और जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की तरफ, नीचे की तरफ आएंगे तो ऊपर से दक्षिण की तरफ चलेंगे। अगर हम यहां से यहां चल रहे हैं दक्षिण की दिशा में चल रहे हैं, अगर हम ये पश्चिम दिशा हमारी, यहां से चलेंगे हम तो ये पूर्व दिशा में चलेंगे, यहां से पश्चिम दिशा में चल पड़ेंगे। आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। दिशाओं के बारे में पिछली वीडियो में भी आपको अच्छी तरह से बता चुका हूं, किस प्रकार से अपने पूर्व पश्चिम दाएं बाएं करने हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या आई आइकन पर क्लिक करके मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। चलो देखते हैं, सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है? सबसे लंबी तटरेखा, सबसे लंबी, देखो 9 राज्य तटीय राज्य है ना भारत में, तो सबसे लंबी तटरेखा ये गुजरात की है, ये 1663 किलोमीटर लंबी है। तटरेखा तो 9 राज्यों की है जो समुद्र से लगती है, परंतु गुजरात की सबसे लंबी है। और ये देखो भारत के बीचों बीच एक मोटी रेखा दिखाई देती है आपको, इसका नाम है कर्क रेखा, ये भारत के लगभग 8 राज्यों से गुजरती है। अच्छा, अब आपकी बुक में से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कर्नाटक की टीम बेंगलोर से चली और उत्तर दिशा की ओर बढ़ी। अब देखो यहाँ पर नीचे कर्नाटक है, ये हमारा, ये रहा, यहां पर ये बेंगलोर है, बेंगलोर से उत्तर दिशा ऊपर की तरफ जाना है। तो कौन कौन से राज्य बीच में आएंगे? देखो ये ढूंढो आप इस नक्शे में, ये कर्नाटक है हमारा, यहां से, यहां से कर्नाटक के बाद आंध्र में जाना पड़ेगा उसको, फिर महाराष्ट्र में जाना पड़ेगा, और मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद या तो वो उत्तर प्रदेश से गुजरेगी या फिर वो राजस्थान से गुजरेगी। तो इस प्रकार से ये बीच में हमारे कुछ राज्य आएंगे, इनके आप ढूंढ कर वहां पर नाम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर दिल्ली से उत्तर दिशा में बढ़ता है। देखो ये दिल्ली, दिल्ली भारत की राजधानी है, ये आप जानते ही हैं, भारत की राजधानी क्या नाम है? नई दिल्ली, ये रहा। और जम्मू कश्मीर इसके उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा ऊपर की तरफ है ना, तो ये जम्मू कश्मीर इसके उत्तर में स्थित है, इसलिए वहां से आने वाली टीम दिल्ली पहुंचने के लिए दक्षिण की ओर चलती है। यहां से जब कोई टीम चलेगी तो दक्षिण दिशा में चलेगी ना दिल्ली पहुंचने के लिए, तो नीचे की तरफ आना पड़ेगा उसको। तो कौन से राज्यों से आना पड़ेगा? तो पहले आएगी हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश के बाद फिर ये उत्तराखंड से होती हुई, या फिर हिमाचल प्रदेश के बाद सीधे हरियाणा से भी आ सकती है, हरियाणा से आ जाएगी दिल्ली आ जाएगी हरियाणा के बाद, या फिर दूसरा तरीका भी है कि यहाँ से उत्तराखंड, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से
दिल्ली में आ सकते हैं। दो रास्ते हैं हमारे यहाँ पर। अगर किसी टीम को जम्मू कश्मीर से दिल्ली पहुंचना है तो या तो वो आएगी हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश से हरियाणा, हरियाणा से फिर दिल्ली, या फिर इधर को पंजाब की तरफ से भी आ सकती है, इधर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, ऐसे भी आ सकती है। ये ज़्यादा बढ़िया रास्ता पड़ता है। और जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड की तरफ भी रास्ता आता है, तो इस प्रकार से कई रास्तों से वो पहुँच सकती है।